दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां लोग जाने से डरते हैं। कुछ ऐसी जगह मुंबई में भी आती है जहां लोग रात के समय में जाना पसंद नहीं करते। भले कि इस युग में लोग भूत प्रेत की बात पर यकीन ना करें, लेकिन कई बार हमारे आसपास ही ऐसी जगह मौजूद होती है। हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई में भी भूतिया जगहों की लिस्ट काफी लंबी है। इन गलियों में असामान्य घटनाओं की कई कहानियां दफन है। उसमें से पहले है मुंबई के कोलाबा में समुद्र के निकट मौजूदा मुकेश मिल्स। ये काफी पॉपुलर है, यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। कहा जाता है कि यह लोकेशन देश की 10 हॉन्टेड जगहों की लिस्ट में शामिल है। यह जगह शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का एक सीन में भी मिलती जुलती है। और हमारी ऐसी ही दूसरी जगह है मुंबई की सबसे डरावनी जगहों में से एक, महिम में स्थित डिसूजा चौल। डिसूजा चौल के आसपास बताया जाता है कि चौल में रहने वाले एक परिवार की सदस्य की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा चौल के आसपास मंडराती रहती है। हालांकि लोग इस बात को अफवाह भी मानते हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क को भी भूतिया जगह माना जाता है। कहा जाता है कि शाम के समय में गार्ड पार्क के घने इलाकों से बाहर मौन प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, पार्क के अंदर छोटी झोपड़ियों में रहने वाले लोग अंधेरे में निकलने से डरते हैं। कहा जाता है कि यहाँ लोग रात के समय में कम आते हैं। टावर ऑफ साइलेंस। कहा जाता है कि इस जगह पर असाधारण घटनाएं हो चुकी है। इस जगह का इस्तेमाल पारसी समुदाय के लोग कब्रगाह के रूप में करते थे। कई लोगों ने यहाँ आत्माएं होने का भी दावा किया है। यह जगह मुंबई की सबसे भूतिया जगहों की लिस्ट में शामिल है। होटल ताज पैलेस। होटल ताज पैलेस की कहानी भी बेहद डरावनी है। बताया जाता है कि होटल के फ्रेंच आर्किटेक्ट W.A. चेंबर्स ने इसको डिजाइन किया था। जब इंग्लैंड ट्रिप से लौटे तो यह जगह जानकर हैरान रह गए कि होटल वैसा नहीं बना जैसा उनको चाहिए था। इसके बाद उन्होंने होटल के 5वें फ्लोर से कूदकर जान दे दी थी। और इसी के साथ आज आपने मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगहों के बारे में जान लिया है। तो मित्रों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आते रहिएगा हमारे चैनल पर।